नमस्कार, इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र और आपकी जिंदगी से जुड़े आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा यह नया कार्यक्रम सीधे आपसे भी जुड़ता है, आपके हम सीधे सवाल लेते हैं। आज है मुद्दा खादी की अर्थव्यवस्था और खादी की अर्थव्यवस्था कैसे रोजगार को बढ़ा सकती है, कैसे गाँव में छोटे छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल कर सकती है और क्या कुछ है संभावनाएं। आप अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं खादी के क्षेत्र में तो क्या कुछ कर सकते हैं, जानिए इस खास कार्यक्रम में। हैशटैग इकॉनमी टुडे आपको याद रखना है, ट्वीट करना है आपके सवाल, और अगर आप डी डी न्यूज़ पर जीमेल के जरिए आना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल का पता है। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। आज हमारे साथ मशहूर फैशन डिजाइनर रितु बेरी हैं, जो कि एडवाइजर हैं खादी इंडिया के इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रितु वक्त निकालने के लिए। और चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और कल प्रधानमंत्री ने मन की बात ने भी इसका जिक्र किया, 3 साल पूरे हो चुके हैं मन की बात के। पीएम ने इसे लोगों के मन की बात बताया, उन्होंने कहा कि ये पूरे देश की संवेदनाएं और विचार दर्शाता है। और पीएम मोदी ने खास तौर पर कहा कि खादी एक वस्त्र नहीं है और बल्कि एक विचार है, और ये बात बार बार वो दोहरा रहे हैं। पीएम ने लोगों से खादी को अपनाने, इससे बढ़ावा देने के अभियान के लिए आगे बढ़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी से खादी को अपनाने और इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है, और उसके कारण गरीब के घर में सीधा सीधा रोजगारी का संबंध जुड़ गया है। गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाएं, इस भाव को लेकर के हम काम करें, हमारे देश के गरीब को इस कार्य से एक ताकत मिलेगी और हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी को प्रोत्साहन देने से न केवल गरीब सशक्त होंगे बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। खादी के प्रति रुचि बढ़ने के कारण खादी क्षेत्र में काम करने वालों में, भारत सरकार में खादी से संबंधित लोगों में एक नए तरीके से सोचने का उत्साह भी बढ़ा है। नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएं, सोलर हथकरघे कैसे ले आए, पुरानी जो विरासत थी, जो बिल्कुल ही 20-25-25-30-30 साल से बंद पड़ी थी, उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सेवापुर में अब सेवापुरी का खादी आश्रम 26 साल से बंद पड़ा था, लेकिन आज पुनर्जीवित हो गया, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों को जोड़ा गया, अनेक लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा किए। कश्मीर में पंपोर में खादी एवं ग्राम उद्योग ने बंद पड़े अपने प्रशिक्षण केंद्र को फिर से शुरू किया, और कश्मीर के पास तो इस क्षेत्र में देने के लिए बहुत कुछ है। अब ये प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू होने के कारण नई पीढ़ी को आधुनिक रूप से निर्माण कार्य करने में, बुनने में, नई चीजें बनाने में एक मदद मिलेगी। देश की पहचान रही खादी का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है, यही नहीं आज के युग में भी खादी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी को बढ़ावा देने की अपील की थी, जिसका असर साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और आपके सवालों का भी हमें इंतजार है। हैशटैग इकॉनमी टुडे आपको याद रखना है, ट्वीट कर दीजिए अपना सवाल, कुछ भी अगर जानना चाहते हैं आप खादी की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, आपके जहन में कोई भी सवाल है। तो अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो जो इमेज मेकओवर है खादी का, खादी इंडिया का खासतौर पर, आप जिसे एडवाइस कर रही हैं, कितना फर्क पड़ा है अगर आप देखें बीते दिनों की 50 सालों की तुलना करें, अगर इन 3 सालों से क्या फर्क पाती हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि पिछले 50 साल के बाद ये पहली बार है कि इतना एनुअल सेल बढ़ा है। आप तो जानते ही होंगे कि 50,000 करोड़ का सेल खादी का हुआ है, विच इज़ ग्रेट। इसका ये मतलब है कि लोग खरीद रहे हैं, लोग अपने आप खादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि खादी एक हमारा नेशनल फैब्रिक है, और हम सब इतने प्राउड इंडियंस हैं, और हम अपने आप को मानते हैं कि हम इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं और प्रमोटर्स हैं। तो हम सबको खादी पहनना चाहिए। खादी जैसा कोई वस्त्र नहीं है, इन बहुत कंफर्टेबल है, और खादी का ये भी एक है कि उस पर कोई GST नहीं है, सो उसका रेट इज़ रियली वेरी फेवरेबल फॉर एवरीबडी टू बाय।
तो आप कह रहे हैं कि दो चीज़ें हुई हैं आज, अगर रेट्स की बात करें तो जीएसटी जो है उसके दायरे से खादी को बाहर रखा गया है और 0% जीएसटी, ये भी शायद आने वाले दिनों में रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। अलग अलग जो उद्यमी हैं वो खादी के क्षेत्र में आ सकते हैं और जो सेल्स है वो भी बढ़ी है। 50,000 करोड़ का सेल्स अगर पिछले साल रिकॉर्ड किया गया है तो अब ये माना जा रहा है कि 30-35% की जो ग्रोथ है एक साल की वो इस साल अगर दिखाई देगी तो ये सेल्स फिगर काफ़ी आगे जा सकते हैं। अगर हम एक टारगेट करें 1,00,000 करोड़ रुपए के सेल्स का, प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट्स का कितना आप देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या वाकई अब एक्सपोर्ट पिकअप करने लगा है? बिल्कुल, पहले तो हम अपने देश से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे यंग भारतीय द यूथ ऑफ इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट खादी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वो सोचते थे कि ये पॉलिटिशियंस का कपड़ा है या बहुत बुजुर्गों का है जी। लेकिन अब आप देखिए, हमने एक प्रधानमंत्री जी और महात्मा गांधी को लेके एक पिछले साल विचार वस्त्र शुरू किया था, जो कुर्ते थे जिसको आप सलवार के साथ पहन सकते थे, पैंट्स के साथ पहन सकते थे, औरतें स्कर्ट्स के साथ पहन सकते। आइडिया था कि एक सबके पास एक विचार वस्त्र होना चाहिए जो बहुत ट्रेंडी, बहुत मॉडर्न और बहुत इजी टू वेयर है। और अक्षय कुमार से लेके वीरेंद्र सहवाग से लेके मंत्रियों ने, सब ने पहना और उसका सेल बहुत, हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। सो द आइडिया इज कि हम सब को एक एक वस्त्र पहन के, और ट्विटर पे हमें पिक्चर्स याद आ रही हैं जो लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया था, शायद एक कैंपेन चला था, बहुत बड़ा कैंपेन था और अभी भी चल रहा है। वी अब जो अक्टूबर में हमने विचार वस्त्र एम्ब्रॉयडरी के साथ थोड़ा सा चेंज के साथ किया है ताकि सब लोग किसी भी चीज के लिए पहन सकते हैं, दिवाली पूजा हो या कोई शादी हो, आप सबको खादी पहनना है हर अवसर के लिए। सो वी हैव टू प्रमोट our national fabric and make it more and more popular. एक चीज़ और, अगर आप से हम समझना चाहें कि जो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जीरो इफेक्ट यानी पर्यावरण पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, एनवायरमेंटल उसका इम्पैक्ट ना हो, और दूसरा ये कि उसमें जीरो डिफेक्ट हो, तो हम जीरो डिफेक्ट की तरफ कहाँ तक बढ़ रहे हैं आगे, और आप किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब लोग आते हैं किसी स्टोर में और कोई खरीदारी करते हैं। और ये जीरो कार्बन है, इसमें सबसे कम कार्बन का। लेकिन मैं ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं 25 साल से फैशन में हूँ और पूरे देश में, विदेश में ये कॉन्सेप्ट है कि लग्जरी होना चाहिए और मेरे मुताबिक खादी से ज़्यादा लग्जूरियस फैब्रिक ही नहीं है, क्योंकि ये हैंड वोवन है, हैंड स्पन है और जब ये इंडिविजुअली बनता है, ये कोई मशीन मेड फैब्रिक नहीं है कि इसमें जीरो डिफेक्ट हो। और जो मशीन मेड फैब्रिक होता है उसमें मजा ही नहीं आता है, इसमें आर्टिफिशियलिटी, इट्स नॉट जैसे चाइना में फैब्रिक बनते हैं, ये हैंडमेड फैब्रिक है। इसमें इसकी ब्यूटी है कि कोई एक फैब्रिक एक जैसा नहीं होता है, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म मटेरियल, इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स गॉट अ नेचुरल फील टू इट। ये आप विंटर में पहन सकते हो, आप समर में पहन सकते हो, ये गर्मी और सर्दी। और एक फैलेसी है कि खादी धुलता नहीं है अच्छी तरह, और दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज आप सुबह पहनेंगे फिर भी खादी की ब्यूटी ये है कि द मोर यू यूज इट द मोर ब्यूटिफुल इट बिकम्स। जैसे इंडियन कार्पेट्स होते हैं, जितना ज़्यादा चलोगे उतना ब्यूटी निखरती है। सो आई थिंक दैट्स अ रियल लग्जरी ऑफ खादी, दैट इट्स जीरो डिफेक्ट इज नॉट नेसेसरी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। फिर भी इसमें हैंड वोवन है तो इसमें नेचुरल टच है विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल। चलिए, तो प्रकृति के साथ जो जुड़ता हुआ जो ये वस्त्र विचार है वो शायद और भी आगे जाकर के बेहतर साबित हो सकता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, टॉप लाइन्स भी आप तक पहुंचानी है, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं खास इकोनॉमी टुडे, आज हम चर्चा कर रहे हैं खादी की अर्थव्यवस्था की और कैसे आप अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं। बिना हेलमेट बाइक की सवारी, याद रखिए हेलमेट ना हो तो सड़क पर सिर और तरबूज में कोई फर्क नहीं। क्या जरूरी है कि हर बात हादसों से ही सीखी जाए? हेलमेट पहने सुरक्षित चले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। I am Nikon.
मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कसले हम जो मुट्ठी कसले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सारा इंडिया परिवार आत्मविश्वास की ताकत। और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं? अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत। ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई। ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो? कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको है? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मीरा का नाम आया और आज पुराने घर के साथ मेरी फोटो भी खिंच गई। अब हमारा भी पक्का घर होगा। योजना में लाभार्थियों के चयन का आधार है सामाजिक आर्थिक जनगणना साल 2011 की सूची। ग्राम सभा की मीटिंग में गांव वालों ने ही तय किया कि पात्र लाभार्थियों में घर की ज्यादा जरूरत किसे है। जो ज्यादा जरूरतमंद उसका नंबर पहले। इसी क्रम में तैयार हुई वर्ष 2022 तक की प्रतीक्षा सूची। इसलिए किसी के बहकावे में मत आना। खुले में शौच गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब वक्त हो चला है टॉप लाइंस का, जगत की बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। बीते 3 सालों में 95 नई कंपनियों ने मोबाइल क्षेत्र में शुरू किया उत्पादन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही 32 कंपनियों ने कारोबार शुरू किया। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, अमेरिका से लौट रहे भारतीयों ने रोजाना 3 से 4 स्टार्टअप कंपनियां शुरू की। साल 2018-19 में भारतीय आईटी सेक्टर में प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद। नैसकॉम के मुताबिक $150 अरब के उद्योग में सुधार के संकेत स्पष्ट मिले। नई डिजिटल तकनीक पर स्किलिंग से बढ़ी उम्मीद। 7 से 8% की विकास दर बढ़कर 11 से 12% बढ़ने की उम्मीद। पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि आज देश के नए सीएजी के तौर पर लेंगे शपथ। शशिकांत शर्मा की जगह लेने वाले महर्षि 3 सालों के लिए बनेंगे देश के नए सीएजी। राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस, राजस्थान के मुख्य सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव भी रह चुके हैं। और अब सरकारी तेल कंपनियां सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ाएंगी अपना फोकस। इंडियन ऑयल ने चार्जिंग प्वाइंट बनाने, इलेक्ट्रिक कार की बैटरियां बनाने और सोलर रूफ टॉप की ओर बढ़ने के दिए संकेत। चलिए, आपके सवाल जो है वो आने शुरू हो गए हैं। ये देखते हैं हमारा पहला सवाल जीमेल पर, मोनिका मरांडी क्या जानना चाहती हैं। और जीमेल का सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, खादी के प्रोडक्ट्स दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले महंगे होते हैं जिससे आम आदमी ने खरीदने से बचता है, इससे आम लोग खरीद सकें, इसके लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है? मोनिका जानना, क्या ये सही है और अगर ऐसा है तो क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानती कि खादी बाकी के बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगा है। एक तो मैंने जैसे बोला कि जीएसटी है ही नहीं खादी पे,
So it's not true and I don't know what they are looking for, but bahut products hain jo they are very competent or quality is 100% assured. And aap quality 100% assured hai, lekin isko aur zyada affordable banane ke liye ya fir agar ye image bhi hai, अगर समस्या ये इमेज की है तो वो इमेज मेरे को और आप कैसे करेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी है? जैसे मैं कह रही हूँ हमने कुर्ते बनाए हैं विद एम्ब्रॉयडरी विद डिटेलिंग, बहुत ही सुंदर, अगर आप दिखा सकें व्यूअर्स को ये विचार वस्त्र 1200 रुपीस में अब कहाँ ढूंढ सकते हैं आप वैसे. एंड देर आर अदर प्रोडक्ट्स इज वेल, वी आर गोइंग इन फ्रॉम क्लोथ्स टू बैग्स टू शूज एंड दे ऑल गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ही सही दाम पे. ये जो प्रोडक्ट लाइन ऋतु आप डिफाइन कर रही हैं, क्या ये जो पुरानी पारंपरिक जो प्रोडक्ट लाइन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या ये अलग से लोगों को अवेलेबल है, किस तरह से, और क्या उसके साथ ब्रांडिंग जुड़ा हुआ है जो कि युवाओं के दिमाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है? जी, जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह दुनिया बदलती है, यू हैव टू कीप विद द टाइम्स. अगर आपके डिज़ाइंस मॉडर्न नहीं हो, ट्रेंडी नहीं हो, और आजकल की जो हमारा यूथ है, इंडियन यूथ बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही एस्पिरेशनल है, और उसी को केटर करने में मज़ा आता है. तो हम खादी में ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि सारे डिज़ाइंस मॉडर्न हो, विद द यूनिवर्सल ट्रेंड्स हो. और एक और चीज़ जो बहुत हम प्रमोट कर रहे हैं, हम यंग डिज़ाइनर्स को सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में इनवाइट कर रहे हैं कि अपने डिज़ाइंस हमको भेजिए, हम उनके नाम से खादी के वस्त्र करेंगे, ताकि उनको अपना इन्वॉल्वमेंट हो कि हमारे देश का फैब्रिक उनके डिज़ाइन से बन रहा. तो जो लोग आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना है, अगर उनके पास कोई डिज़ाइन है वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, कैसे आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस पूरे इमेज मेकओवर में? जो भी आजकल तो सब हमारे देश के युवा युवक बहुत ही सोशल मीडिया में हैं, अगर वो हमारे को कांटेक्ट करें थ्रू फेसबुक, थ्रू वी आर एवरीवेयर, एंड इवन खादी इज आई मीन इतने सारे स्टोर्स हैं, इतने सारे अवेलेबिलिटी है ऑन सोशल मीडिया, हमको कनेक्ट करें, अपने डिज़ाइंस भेजें, हम देख रहे हैं किसको हम यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट हमारा एक प्रोग्राम भी है जहां हम यंग डिज़ाइनर्स, यंग टेक्सटाइल पीपल, यंग प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स जो खादी के साथ जुड़ना चाहें और जिनमें बहुत पोटेंशियल और कैपेबिलिटी हो, हम उनको एक महीने फ्रांस भेजेंगे जहां पे वो एक टॉप ब्रांड के साथ काम करेंगे और उनको एक्सपोजर मिले, और जो एक्सपोजर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है टैलेंट के लिए. सो वी आर ऑफरिंग दैट वन मंथ. तो आप कभी शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम? क्या शुरू है? हो गया? Okay. अनाउंस, और आपके मीडियम से आप अगर बताएंगे तो और भी लोगों को पता लगेगा, और हम ओपन ये उनको ऑफर दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप अपने डिजाइंस आप करने वाले बनिए और हम खादी से सपोर्ट करके आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देंगे. और ये अपॉर्चुनिटीज ये जो आप दे रहे हैं प्रोग्राम की, ये क्या ट्रांचेस में है, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अभी एक बैच भेजती हैं आप? जी, वो 20th April इज द कट ऑफ डेट 2018. तो तब तक जो भी एंट्रीज आएंगी उसमें आप, और ये नहीं है कि आप कपड़े ही बना रहे हो, आप बैग्स बनाते हो, आप जूते बनाते हो, या आपके पास कोई और आइडिया है जो खादी को यूज करके हो सके, क्योंकि खादी का जो मटेरियल है वो बहुत वैरायटी में आता है, थिन टू हैवी टू वेरी हैवी, सिल्क टू कॉटन. तो यू हैव टू बी, आपको जितना इन्वॉल्वमेंट करना है खादी के साथ, खादी इज एब्सोल्युटली रेडी टू सपोर्ट. और खादी, अगर एक क्लेरिफिकेशन आपके जरिए, कन्फ्यूजन अगर दिमाग में है लोगों के, क्या ये सिर्फ हाथ से बना हुआ कपड़ा है, इसमें मशीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये हैंड वोवन एंड हैंड स्पन फैब्रिक है, बिल्कुल हर इसमें मशीन का कोई काम ही नहीं है, पूरा हाथ से बनता है. चलिए अगला जीमेल देखते हैं, और ये ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है उससे जुड़ा हुआ सवाल है. गाँव में यानी ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार युवाओं को खादी को रोजगार रूप में अपनाने के लिए जो प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है, ये निखिल कुमार जानना चाह रहा है. अगर गाँव में कोई जो बेरोजगार है वो इस पूरे मुहिम से जुड़ना चाहता है तो क्या कर सकता है? जी, सरकार वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रही है खादी के लिए, उन्होंने चरखे दिए हैं, बहुत सारे आउटलेट्स खुले हैं. तो अगर जिसको भी इनिशिएटिव लेना है और अपना इन्वॉल्वमेंट करना है, सरकार इज वेटिंग टू हैव मोर एंड मोर पीपल जॉइन हैंड्स, ताकि ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपना
अमूल्य समय निकाल के इतना खादी के बारे में बोल रहे हैं, तो इट्स डन रियली वेल एज यू सेड, द टर्नओवर 34% मोर एंड वी वांट मोर एंड मोर पीपल इन्वॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस मूवमेंट में और खादी को नेशनल फैब्रिक ना हमारे देश में, विदेश में भी हमारी स्टोरी इतनी अच्छी है खादी की, सब जानते हैं कि महात्मा गांधी कितने महान व्यक्ति थे, तो विदेश में भी खादी की स्टोरी को स्प्रेड करने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी पहने। और एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ इसमें, जो आपने चरखे की बात की, जो सरकार ने किया है उसमें एक कॉन्सेप्ट है ई चरखा का, यानी जो वो सोलर से चलने वाले, सोलर एनर्जी से चलने वाले चरखे हैं, और ये गाँव में खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं उनमें ऐसे चरखों का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें वो सोलर से जलते हैं और जो समस्या भी नहीं होती, उनको ऊर्जा की समस्या नहीं होती और बिल्कुल क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है चरखों के जरिए अगर वो वीविंग करने की सोचते हैं। ट्विटर के जरिए जानना चाह रहे हैं कि जो आपने एक सवाल का जवाब दे दिया कि जो यंग डिज़ाइनर्स हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन ये अगर क्लोथ लाइन से अलग हट करके जो अलग प्रोडक्ट लाइन्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी परफ्यूमरीज हैं, बहुत सारे साबुन बनाते हैं लोग, कुछ किचन के जो मसाले हैं उस तरह के जो निर्माण करते हैं, हथकरघा जिसे हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट एंड, तो क्या उसके लिए भी आप प्रमोट कर रही हैं? अब हम खादी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप एयर इंडिया में जाएंगे तो उनका जो किट है वो पूरा खादी में बना हुआ है। हमारा यही कोशिश, हमारी कोशिश ये है कि जो कुछ किसी के हाथ में आए वो खादी से बना हुआ हो। तो जैसे हम गिफ्ट्स देते हैं, मैं जब विदेश जाती हूँ मैं सिर्फ खादी के गिफ्ट्स देती हूँ, तो अगर जो भी कर सके, खादी की गुथियाँ इनोवेटिव वे बनाएं जिसमें चाय पत्ती डाल के हम विदेश में दे सकें, आपका आइडिया जितना होगा उतना हम यूज़ करेंगे, पैकेजिंग, प्रमोटिंग एज अ गिफ्ट आइटम, हैंकीज ऑफ खादी, वी डू ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम खादी। एक अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से, कौशिक देवनाथ जानना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द चेंज ऑन आवर कंट्री इकोनॉमिक्स बाय खादी एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ खादी ऑन कंट्री राइट नाउ। अभी आप इसकी इकोनॉमिक्स को चेंज कैसे हो सकता है जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से जो फोकस है वो, तो एक अलग तरह का इकोनॉमिक्स आप क्रिएट कर पाएंगे, आपको विश्वास है? विश्वास तो अगर नहीं हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ज़िंदगी तो विश्वास पे ही कामिल है, लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ खादी को अपनाएं। एक एक आदमी, पहले शुरू किया था कि एक दिन हफ्ते में सब लोग खादी पहने, हम मेरे ऑफिस में रूल है कि एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे एवरीवन हैज़ टू वेयर खादी। तो ऐसे अगर आप चेंज चाहते हैं अपने देश में और आप ऐसे युवा हैं जो अपने देश के लिए प्राउड हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप शुरू करिए अपने अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, कि हर एक आदमी एक दिन खादी पहने। आपके वार्डरोब में कुछ तो खादी का सामान हो। आपने देखा है कितना नया चीज खादी में बन रही है इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स विद डिफरेंट डिटेलिंग। बिल्कुल रितु, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि एज एन ब्रांड एम्बेसडर अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश जो कर रहे हैं उसका जरूर युवाओं पर असर पड़ेगा। हमारे ब्रांड एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनसे अच्छा कोई ब्रांड एम्बेसडर हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन CNAG देश को नए मिलने वाले हैं राजीव महर्षि। अब से थोड़ी देर में आपको हम लिए चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां से सीधा प्रसारण उनके टेकिंग ओवर जो चार्ज वो टेक ओवर करेंगे उसका हम ले चलेंगे, और साथ ही साथ जब वो अपने ऑफिस, नए ऑफिस पहुंचेंगे तो उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए DD News, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।